मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल कर रहा है। मेरा नाम समीर सूरज गोपाल है और मैं 15वीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि इस्लाम एक धर्म है और कुरान एक है और अल्लाह भी एक है, तो मुस्लिम समाज में दो गुट क्यों है, दो ग्रुप क्यों है? भाई साहब ने जो सवाल किया, आपको कैसे पता चलता होगा कि जो मेरा एनालिसिस है कि दो या तीन सवाल करो, अक्सर वो 20 सवाल आपके दरमियान से आएंगे। भाई साहब शायद लेट आए होंगे और मेरी पूरी तकरीर नहीं सुने होंगे। ये था 18वां आम सवाल जो गैर मुसलमान मुसलमान या इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं कि अगर कुरान एक, पैगंबर एक, तो आप में फिरके क्यों? आपने कहा दो ग्रुप क्यों? इसका जवाब मैं दे चुका हूं, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ। ये अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कुरान मजीद में कहा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि जो कोई मुसलमान इस दीन में फिरके बनाता है वो गलत है और उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ताला उसे सही रास्ते दिखेगा। तो दीन के अंदर फिरके बनाना गलत है। वो आदमी, वो मुसलमान जो कुरान को मजबूती से पकड़ा है और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पकड़ा है, वही सही मुसलमान है और वही सही रास्ते पे। माइक नंबर 3 खवातीन के शोबे में अगर कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों हुआ। मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है, लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मजाहब में जो चीज है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं, तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल, वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है। पर वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी के मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है
मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ, यानी के दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, भूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म, प्लीज माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल कर रहा है, क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मजहब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मजहब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम मजहब कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है, लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह मैं अभी अरबी में कहूंगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बंदे और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुबहाना व ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह सफलता दे, और आप भी हमारे लिए दुआ करो, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाल्लाह उसे दूर कर सकती है। है आया यू रिशे तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। यह था आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।